Good morning, students. Today I am going to teach new chapters, chapter 8, more about action. In this lesson, we learn about copying same content, moving same content, allowing same content, in the allowing, marking same and writing same. First of all, how to copy same content? कैसे हम लोग same को copy करेंगे? उसके content को same content को कैसे copy करेंगे? Action. First of all, select the cell or range we want to copy it. ये मान लीजिए आपका A एक्सेल शीट, ये आपको सपोज ये एक्सेल शीट, ये आपको एक्सेल, इस एक्सेल शीट में आपने डिफरेंट कंटेंट को दिया है, जैसे ए बी सी, इसको आप कॉपी करना चाहते हो इस प्लेस पर, आप बॉटम पोजीशन वाले सेल पे आप कॉपी करना चाहते हो, जब मिडिल या कहीं भी आप कॉपी करना चाहते हो, तो सपोज सिर्फ ए को कॉपी करना चाहते हो, देन सेलेक्ट द ए ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ माउस बटन और शिफ्ट की के द्वारा, शिफ्ट प्लस एरो के द्वारा. Means, ये दो मेथड से हमने क्या किया कि ए को यदि कॉपी करना है तो पहले इसको सेलेक्ट कर लिया एंड देन क्लिक द कॉपी ऑप्शन एंड इसके बाद जो है हम इसको सेलेक्ट करने के बाद कॉपी ऑप्शन को क्लिक करने के बाद उस सेल पर जाएंगे जहां हम कॉपी करना चाहते हैं. मान लो कि हम यहां पे कॉपी करना चाहते हैं, इस प्लेस पर आएंगे, राइट माउस बटन को क्लिक करेंगे, कॉन्टेंट और टेक्स्ट और नंबर और एवरीथिंग जो आपने सेलेक्ट किया है, जो सेलेक्टेड कॉपी ऑप्शन भी पेस्ट ऑन अदर सेल, ये अदर सेल पर पेस्ट हो जाएगा या किसी दूसरे आप लैंग्वेज पैकेज में जाकर के आप करना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज पैकेज को ओपन करना पड़ेगा और वहां पर जाकर के आप राइट माउस बटन को क्लिक करेंगे और पेस्ट ऑप्शन को कर देंगे तो जो सेलेक्टेड कंटेंट है वो उस पैकेज में जाकर के आपका हो जाएगा. मान लीजिए आपने एक्सेल में आपने कंटेंट को कॉपी किया और उसको वर्ड में जाकर के आप पेस्ट करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे, एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद उस प्लेस पर जिस प्लेस पे हमें करना है या वर्किंग एरिया में जाकर के राइट माउस बटन को क्लिक करने के बाद पेस्ट कर देंगे तो यो सेलेक्टेड कॉपी कंटेंट विल पेस्टेड ऑन दैट, उस पोजीशन पर आपका पेस्ट हो जाए. इस तरह से हम इसको कॉपी कर सकते हैं. मूविंग सेल कंटेंट, सेम प्रोसेस, सेलेक्ट द सेल और रेंज, क्लिक द होम टैब एंड क्लिक द कट ऑप्शन, कट ऑप्शन कर देंगे. आप देखे होंगे कि होम टैब को जब क्लिक करते हो तो उसमें आपको ऑप्शन होता है कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन, कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन, कट कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन. वी वांट टू मूव द डॉक्यूमेंट और कंटेंट ऑफ द सेल, देन सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स एंड सेलेक्ट द होम एंड क्लिक द होम टैब, देन क्लिक ऑन कट ऑप्शन, देन कट ऑप्शन एंड कट ऑप्शन को क्लिक करोगे, जैसे आप बी ऑप्शन को आपको मूव करना है, आपको इस प्लेस पर मूव करना है, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, यहां पर ये सेलेक्ट करने के बाद होम टैब से कट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ये पूरा का पूरा फाइल, ये पूरा का पूरा कंटेंट यहां से कट हो जाएगा
डिटेल पर आएंगे और राइट माउस बटन को क्लिक करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पेस्ट ऑप्शन दिखता है। जब इसमें आप ओपन करोगे तो यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन दिखेगा और इस पेस्ट ऑप्शन को जब क्लिक कर देंगे तो योर कट कॉन्टेंट से विल डिस्प्ले ऑन द दैट पोजिशन, इस पोजिशन पर जो है वो मूव कर जाएगा। इसमें कट कॉपी पेस्ट के लिए क्या है, कट ऑप्शन के लिए CTRL प्लस हम लोग एक्स CTRL प्लस एक्स, कॉपी के लिए CTRL प्लस सी, पेस्ट के लिए CTRL प्लस डी, ये शॉर्टकट की का यूज करते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट द शॉर्टकट की ऑफ कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन, इस तरह से आपको 2-3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं, मूविंग सेल हो गया आपका, कॉपी कैसे करते हैं, मूविंग सेल बता दिया मैंने, एलॉगिंग सेल पढ़ने, एलॉगिंग देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉगिंग, एलॉगिंग राइट, एलॉगिंग लेफ्ट, एलॉगिंग सेंटर, एलॉगिंग जस्टिफाइड। ये एलॉगिंग जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, मेन रूप से जो है 4 टाइप्स होता है और अदर जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एलॉगिंग सेंटर, एलॉगिंग राइट, एलॉगिंग लेफ्ट, एलॉगिंग सेंटर, एलॉगिंग जस्टिफाइड। देयर आर मेनली 4 टाइप्स, ये 4 टाइप्स का एलॉगिंग होते हैं, इसमें टॉप एलॉगिंग, मिडिल एलॉगिंग, बॉटम एलॉगिंग, एलॉगिंग ये डिफरेंट टाइप्स के अदर जो है एलॉगिंग होते हैं जिसके द्वारा जो है हम लोग पेज को सेटअप कर सकते हैं। लाइक द ऑप्शंस ऑफ दिस एलॉगिंग अलाइनमेंट ग्रुप ऑन होम टैब प्रोवाइडेड द 6 ऑप्शन, इसमें आपको 6 ऑप्शन दिया है, लेकिन मेनली जो है वो 4 टाइप्स होते हैं। ये 4 टाइप्स में अदर ये सब टाइप्स होता है, जैसे टॉप एलॉगिंग, मिडिल एलॉगिंग, बॉटम एलॉगिंग, लाइक दैट। तो इस तरह से हम लोग एलॉगिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग सेल को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। मर्जिंग सेल मींस मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन इज यूज टू कंबाइन टू और मोर सेलेक्टेड एडजस्टेंट सेल्स टू क्रिएट ए सिंगल सेल। 2 या 2 से अधिक सेल को हम लोग एक साथ मर्ज करते हैं और उसको एक सिंगल सेल में चेंज करते हैं। जैसे ये आपका ये मान लीजिए आपका जो है ये सेल है, ये आपकी सेल है, इस सेल में ये मान लीजिए ये जो है 2 और 4 सेल्स है, इसमें आप मर्ज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए 2 और 3 सेल को मर्ज करना है तो सबसे पहले उतने सेल को हम सेलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस और शिफ्ट एंड एरो, माउस या एरो की के द्वारा हम उस सेल को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन को देन सेलेक्ट द सेल एंड क्लिक ऑन ओरिएंटेशन ऑप्शंस फ्रॉम द अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ द होम टैब, देन चूज एन एंगल टू रोटेट, सॉरी सेलेक्ट द सेल एंड मर्ज द सेल, देन सेलेक्ट द मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन, देन सेलेक्ट द मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ माउस बटन, माउस बटन के द्वारा मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, योर सेलेक्टेड सेल विल चेंज इन ए सिंगल सेल। ये जो आपका सेलेक्टेड सेल है वो एक सिंगल सेल में इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, ये पूरा जो आपका कॉलम और रो नंबर है ये पूरा का पूरा जो है इमेज हो गया, ये इस तरह से आपको दिखाएगा। अब इसमें आप कोई हेडिंग डालना चाहते हो, कुछ आप टाइप करना चाहते हो तो इसमें आप लिख सकते हो, एक हेडिंग मान लो लिखना चाहते हो तो 2 और 4 सेल की आपको जरूरत है तो आप मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन के द्वारा कर सकते हो। इसमें आप हेडिंग कैसे आप से फार्मर्स स्कूल लिखना चाहते हो इसमें डाल सकते हो, इसके नीचे आप डाटा शीट को प्रिपेयर कर सकते हो या स्टूडेंट लिखना चाहते हो या एनीथिंग कुछ भी आप एडिट के रूप में
स्मार्ट सेंटर ऑप्शन के द्वारा ले सकते हैं। रैपिड टेक्स्ट, द रैप टेक्स्ट ऑप्शन इज यूज टू रैप ए लॉन्ग टेक्स्ट इन मल्टीपल लाइन इफ द टेक्स्ट इज नॉट विजिबल कंप्लीटली इंक्रीज द नाउ राइट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम ये यहां पर मान लो ये आपकी सेल हो गई, इसमें आप कोई नाम लिख रहे हो, जैसे आपने लिखा रोल नंबर, रोल नंबर। अब ये क्या है रोल नंबर, आपका टू आर मोर रो एंड कॉलम में चला जाता है। आप एक ही जो है रो एंड कॉलम में एक ही सेल में लिखना चाहते हैं, तो ये टू आर मोर हो गया। आप लिखना चाहते हैं यहां रोल नंबर, ये इस तरह से आप लिखना चाहते हैं। तो इसको क्या करेंगे कि पहले सबसे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद रैप एंड टेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। रैप एंड टेक्स्ट ऑप्शन को जब क्लिक करोगे तो एक ही सेल में ये जो बीच का आपका कॉलम है वो नीचे हो जाएगा और एक ही सेल में जो है आपका ये सेल का साइज बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने के बाद ये आपको यहां पर सेलेक्ट कर। तो इस तरह से हम लोग रैप एंड टेक्स्ट ऑप्शन के द्वारा जो है टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ये फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का यहीं पे समाप्त होता है। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मोर अबाउट एक्सेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और इसमें सेकंड पार्ट में आप चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट, कैसे आप ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट को चेंज करोगे, इंसर्टिंग रो एंड कॉलम को कैसे आप इंसर्ट करोगे, डिलीटिंग रो एंड कॉलम को कैसे डिलीट करेंगे, इंसर्टिंग सेल को कैसे इंसर्ट करेंगे एंड डिलीट कैसे करेंगे, चेंजिंग रो हाइट एंड कॉलम, रो और हाइट को कैसे कॉलम को करेंगे, ऑटो फिल डिलीटिंग सेल कंटेंट एंड अदर हेडिंग्स आल्सो, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मीन सेकेंड पार्ट में आपको बताऊंगा। और इसमें जो भी आपको नहीं समझ में आता हो में है एक्सेल, शायद जिसके पास कंप्यूटर होगा उसके पास जरूर एक्सेल होगा। एक बार आप लोग प्रयास करिएगा घर पे इसको प्रैक्टिकल करने के लिए, और जहां नहीं समझ में आएगा वीडियो व्हाट्सएप कॉल के थ्रू आप लोग पूछ सकते हैं कि कैसे क्या होगा, मैं उसको व्हाट्सएप के थ्रू आपको बता दूंगा, और नहीं तो फिर स्कूल खुलने के बाद प्रैक्टिकल में बता दूंगा। सो थैंक यू।